हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कल्याणी का अपना किचन। आज कल्याणी के अपने किचन में बेसन और प्याज के पराठे बन रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं और डिलीशियस, एकदम लाजवाब होते हैं। जिसके लिए मैंने एक डिप बनाई है टमाटो और टमाटो सॉस और मायनीज की, साथ में अचार है जो मैंने खुद बनाया है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने तेल लेके 2-3 चम्मच, तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम बेसन उसमें ड्राई डालेंगे, फ्राई करना पड़ेगा। उसमें मैंने 2 बड़े बड़े प्याज काट के डाले हैं जीरा डालने के बाद, और उसे हम अच्छे से सौते कर ले रहे हैं। गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़े पिंक हो जाएंगे, ट्रांसलूसेंट टाइप के, बस उतना ही करना है। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे, और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। होप यू लाइक द कल्याणी का अपना किचन चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। हम यहाँ पे थोड़े से ड्राई मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे धनिया, मिर्ची, हल्दी, अमचूर पाउडर 1 चम्मच डाला है मैंने, आप टेस्ट के अनुसार डालिए, ज़्यादा डालेंगे तो खट्टा हो जाएगा। नमक डाल रहे हैं, जीरा डाला है, जीरा पाउडर 1 चम्मच, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है, यानी ब्लैक पेपर डाला है, और इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैं आपको बोल रही थी कि प्लीज़ सी कल्याणी का अपना किचन यूट्यूब चैनल पे, और प्लीज़ सब्सक्रिप्शन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए, और यहाँ पे देखिए मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर भर के अच्छे से बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने के बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसलिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, और ताकि ये तेल में ही देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, अच्छे से एकदम रेडी हो गया मिक्सचर सॉल्यूशन। अच्छे से मिला लीजिए, थोड़ा हरा धनिया से गार्निश करिए, और फिर से मिक्स कर लीजिए, और ये आपका जो परोठे का फिलिंग है वो एकदम बन के रेडी तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है प्याज और बेसन के पराठे। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप एक बार ज़रूर बना के खाइए। यहाँ पे मैंने देखिए आटा तो मेरा गूंदा हुआ है, तो मैंने ये सिलिकॉन का मैट लिया है, ये भी बहुत यूज़फुल होता है रोटी वगैरह बेलने के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप ये सिलिकॉन मैट लगा के उस पर बेल सकते हैं, पराठा बेल सकते हैं, रोटी बेल सकते हैं। और बड़ा अगर बेलना है तो ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो आप स्क्वायर टाइप कुछ भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लोई ले ली है, और लोई को बेल के मैंने आज स्क्वायर पराठा बनाया है। थोड़ी सी लोई को बेल लेंगे, और बाद में उसमें 2 चम्मच फिलिंग मैंने डाल लिया। ज़्यादा बेलना भी नहीं है, ताकि नहीं तो रोटी जो है नीचे की तरफ से बहुत पतली हो जाएगी, फिर पराठा ठीक से नहीं बनेगा। मैंने इसे दोनों तरफ से पहले फोल्ड करके अच्छा सा एक रेक्टेंगल टाइप का फोल्ड दिया है, फिर उसे बराबर स्क्वायर में बेल लिया है, ताकि पराठा जो है अच्छे से चारों तरफ उसकी फिलिंग स्प्रेड हो और एकदम बढ़िया सा बने। और हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा उसको दबाना नहीं है,
पराठे को बेलते समय, नहीं तो फिलिंग जो है वो फट के बाहर आ जाएगी। तो आप हल्के हाथ से बेलिए। वैसे तो इसका जो मिक्सर है बहुत ड्राई है, इसलिए इसको बेलने में असुविधा नहीं होगी, बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी, कुछ भी आराम से बेल जाएगा ये। अब हम इसे तवे पे सेक लेंगे बढ़िया सा। तवा तो मैंने लिया नहीं है, मेरे जिस पैन में मैंने मिक्सर बनाया था वही पैन को यूज़ कर लिया है, तवा का यूज़ नहीं किया है। इसमें भी बहुत अच्छा पराठा बनता है, दोनों तरफ तेल लगाना है अच्छे से, और खाते समय आप ऊपर से घी लगा सकते हैं या बटर लगा सकते हैं। पलट के पीछे बैक साइड में भी उसको थोड़ा अच्छे से तेल ब्रश करिए चारों तरफ। प्याज जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, होता है, कहते हैं प्याज को रस को बालों में भी लगाना चाहिए, प्याज को कच्चा खाना चाहिए, वो भी यूज़फुल होता है। इस तरह से हमने देखी इस पराठे को सेक के निकाल दिया फ्राई करके, दूसरा पराठा भी हम उसी तरह से बना लेंगे बेल के। और इसे मैंने पैन पे डाल दिया है और अच्छी तरह से तेल इसमें भी लगाएंगे और दोनों तरफ से सेक लेंगे, तो ये और एक हमारा पराठा बन के एकदम तैयार हो जाएगा। बढ़िया सा देखिए एक गोल्डन कलर आ गया है, अच्छे से फ्राई हो गया एक तरफ, दूसरी तरफ भी थोड़ा सा तेल लगा के मैं स्पैचुला की सहायता से इसे थोड़ा प्रेस कर ले रही हूँ, और साइड्स जो है वो अच्छे से पकने चाहिए और फिर हम इसे निकाल लेते हैं। अच्छा, सर्व करने के लिए मैंने जो टमाटो सॉस और मायोनेज की एक डिप बनाई है, और अचार जो मैंने आम का अचार इस सीज़न में डाला है वही अचार का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ, एक पराठा जो है वो मैं कट कर लेती हूँ पिज़्ज़ा कटर की मदद से चार पीसेस में। तो उसे प्रेजेंट करने में थोड़ा इजी होगा और उसे हम पराठे को खोल के भी देख सकते हैं कि कैसा कलरफुल लग रहा है, अच्छा और अच्छी तरह से एकदम सिक गया है। चटनी के साथ परोठा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो डिप हो या सॉस हो उसके साथ ही परोठा ज़्यादा अच्छा लगता है, अचार के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो पुदीने की चटनी के साथ बहुत ही कम, अगर तीखा पराठा कुछ बना रहे हैं तो आप पुदीने की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक पीस को फ्लैप ओपन करके भी दिखाया है, कितना बढ़िया अंदर से बना है, भाप निकल रही है, और ये एक पूरा पराठा है जिसे मैंने ओपन नहीं किया। तो इस तरह से हमारे ये बेसन और प्याज के पराठे बन गए। कल्याणी के अपने किचन में सभी का वेलकम, नमस्कार है।
और आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे तक के चैनल के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।